निकालते हैं मॉड ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हमारा माइनस टेन का होल स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं, मॉड में ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस टेन का होल स्क्वायर हंड्रेड हो जाएगा, माइनस सेवन का होल स्क्वायर 49 हो जाएगा और 4 का होल स्क्वायर हमारा 16 होगा। सबको ऐड कर देते हैं, ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर इसका मॉड जो है अंडर रूट वन हंड्रेड एंड सिक्सटी फाइव, ये ए बी क्रॉस ए सी का मॉड आ गया। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर निकालना है, हमें इकाई सदिश निकालना था, तो लैंग्वेज वैसे ही लिख देंगे, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ए बी सी इज गिवेन बाय, समतल ए बी सी पर लंब मात्रक सदिश निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। समतल ए बी सी पर लंब मात्रक सदिश निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, सदिश में उसी सदिश के परिमाण से अगर आप डिवाइड कर दें तो वो आपका उसका डायरेक्शन बताता है और वो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। तो हमारे पास वेक्टर जो था ए बी क्रॉस ए सी था, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर में हमें उसके मॉड से डिवाइड करना था, मैंने मिटा दिया, ए बी क्रॉस ए सी हमने जो लिखा था वो तो हमने मिटा दिया, नहीं है, ए बी क्रॉस ए सी हमारे पास यहाँ पर है, ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर अपॉन मॉड में ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर, ए बी क्रॉस ए सी, ए बी क्रॉस ए सी हमारा है माइनस का टेन आई, माइनस का टेन आई कैप, माइनस का सेवन जे कैप और प्लस का फोर के कैप और इसका मॉड जो आया है अंडर रूट 165 आया है। ये जो अपने आप में निकला ये अपने आप में एक यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर ए बी और ए सी दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है और ये ए बी और ए सी क्या था, हमारे प्लेन पर जो तीन पॉइंट थे उन्हीं तीनों पॉइंट में से जोड़कर हमने दो वेक्टर्स बनाए थे। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये है, बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब वेक्टर ए जो है वो जीरो नहीं है, वेक्टर बी भी जीरो नहीं है और वेक्टर सी भी अपने आप में जीरो नहीं है। इफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर सच दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में यह है कि यहां पर तीन वेक्टर्स ए बी और सी हैं और तीनों के तीनों नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो का मतलब है कि कोई भी उसमें से जीरो नहीं है। दो कंडीशंस दिए गए हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर।
एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन प्रूव दैट बी इज इक्वल टू सी, वेक्टर बी इज इक्वल टू सी। वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, उस गिवन कंडीशन में हमें दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, ये हमें दिया हुआ है। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करें, चलिए ए डॉट सी वेक्टर को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये पूरा का पूरा हिस्सा जब इधर आएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो आएगा। इसके बाद एक छोटा सा काम करिए, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, ए वेक्टर डॉट ब्रैकेट में आपके पास बचेगा बी वेक्टर माइनस का सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट जो होता है नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब सम या एडिशन के ऊपर, सम या सब्ट्रैक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। कल के डेट में अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही देखने को मिलेगा। अब यहां पर एक छोटी सी चीज को समझने का प्रयास करिए, ए बी और सी जो है तीनों अपने आप में कोई ना कोई वेक्टर है। ए बी और सी अगर तीनों अपने आप में कोई ना कोई वेक्टर हैं, तब अगर मैं उसमें से बी वेक्टर में से सी वेक्टर को माइनस कर देता हूं, तो माइनस करने पर जो मेरे को आंसर आएगा वो आंसर भी अपने आप में एक वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर्स को आपस में हम ऐड कर दें या दो वेक्टर्स को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, जो हमारा उत्तर आता है वो भी हमारा एक वेक्टर ही होता है। अब ध्यान से समझिएगा, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है, दरअसल ये जो है ये तो अपने आप में कोई ना कोई वेक्टर होगा। ये जो है ये अपने आप में अगर कोई वेक्टर है, तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, और वो भी अगर जीरो आ जाए तो इसका भावार्थ क्या होगा। भावार्थ ये, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो इसका मतलब होता है कि दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहां दो वेक्टर्स कौन कौन हैं, यहां दो वेक्टर्स में पहला वेक्टर मेरा वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी है। तो मैं यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि ये वेक्टर ए जो है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी पर है। अब यहां पर मन में एक बात और आ रही है, मन में जो बात आ रही है वो ये कि भाई साहब, अभी अभी तो हमने बात कर लिया कि बी जो है, ए बी और सी तीनों के तीनों जो है कोई ना कोई वेक्टर है, यहां तक समझ में आ गया। फिर हमने ये समझा बी में से अगर मैं सी वेक्टर को माइनस करूं तो जो आंसर आएगा वो भी अपने आप में एक वेक्टर ही होगा, यहां तक भी बात समझ में आई। क्या ऐसा संभव नहीं, क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बी वेक्टर में से सी वेक्टर को माइनस किया जाए और माइनस करके आंसर हमारा जीरो आ जाए। बी वेक्टर में से हमने सी वेक्टर को माइनस किया, माइनस करने पर ही आंसर हमारा जीरो आ जाए, बिल्कुल हो सकता है। अगर उस सिनेरियो से सोचें, हम उस तरीके से भी सोचें, तो बी में से सी को अगर माइनस करने पर जीरो आ जाए, तब
ये तो पूरा इलाका जीरो हो जाए। ये अगर पूरा का पूरा इलाका जीरो हो गया तो जीरो का किसी भी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए या क्रॉस प्रोडक्ट करिए, आंसर तो जीरो ही आएगा। जीरो का किसी के साथ भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। मतलब या तो ये संभावना हो सकती है या ये हो सकता है कि ये वाला हिस्सा जीरो हो जाए, हो सकता है, क्योंकि बी में से सी को माइनस करने पर हो सकता है कि वो आंसर जीरो दे दे, हो सकता है ना। तब हम दोनों केसेस को, दोनों पॉसिबिलिटीज को साथ में लेकर चलेंगे। हमें नहीं पता कि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है कि नहीं है, हमें ये भी नहीं पता कि बी में से सी को माइनस करने पर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन संभावनाएं हैं। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। मन में दुविधा ये भी आई, भाई साहब ये दोनों को तो सब्ट्रैक्ट करके हमने वेक्टर बताया, हो सकता है यही सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो गया हो। तो ये अगर जीरो हो गया हो तो यहाँ से वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जो है जीरो के इक्वल हो जाएगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी जीरो के इक्वल हो जाएगा, है। चलिए इस पूरे लाइन को हमने कहा इक्वेशन नंबर वन, पूरे को इक्वेशन वन। इसमें इक्वेशन वन में दो बातें बताई गई हैं, इक्वेशन वन में दो बातें बताई गई। पहला बात, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी माइनस सी पर परपेंडिकुलर है या बी माइनस सी जो है जीरो के बराबर है। अब बात करते हैं ये सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन था हमारा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी आगे बढ़ने का हमारा मेन फंडा वही है कि हम इस पूरे पार्ट को इधर शिफ्ट कर देते हैं। इस पूरे पार्ट को अगर हमने इधर शिफ्ट किया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, वापस क्या करें कॉमन, कैसे देखिए, ए वेक्टर क्रॉस यहां पर भी है और ए वेक्टर क्रॉस यहां पर भी है, तो हम क्या करते हैं ए वेक्टर क्रॉस को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी और इज इक्वल टू में जीरो। क्या देख पा रहा हूं मैं यहां देख पा रहा हूं, यहां पर दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए, क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब कि वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाए तो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने इस बारे में डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों पर डिस्कस किया था। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है, जीरो आ रहा है। भावार्थ ये कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अर्थात वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी माइनस सी वेक्टर, ठीक। लेकिन मन की दुविधा जो है वापस आई, मन की दुविधा क्या वापस आई, बी वेक्टर में से सी वेक्टर को माइनस करने पर अगर कहीं जीरो आ गया हो, कहीं अगर आ गया हो, तो ए वेक्टर के साथ अगर मैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तब भी तो जीरो आता, बिल्कुल आता। तो हम उस संभावना को भी साथ में लेके चलते हैं। या तो दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, या उन दोनों वेक्टर्स में से कोई एक वेक्टर अगर जीरो हो जाए तब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आता है। तो यहां से वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये पूरा का पूरा वेक्टर जो है जीरो हो सकता है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, यहां पर
साफ साफ मना किया गया है कि वेक्टर ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं है। मैं जो यहाँ बात कर रहा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो रहा है, मतलब एक वेक्टर भी अगर जीरो हो गया तो मल्टीप्लाई करके तो जीरो आएगा ही। तो मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि वेक्टर ए कहीं जीरो हो गया, तो साफ साफ मना कर दिया गया। और भी मना किया गया है, थ्री ए बी सी जो वैक्टर्स हैं वो थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स हैं, ना तो ए जीरो है, ना बी जीरो है, ना सी जीरो है, कोई भी जीरो नहीं है, साफ साफ मना किया गया है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर टू नाम दे देते हैं। अब थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। बुद्धि आप लोग के पास कूट कूट के भरी हुई है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर किन दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने की बात की गई, किन दो वेक्टर्स की? पहले में वेक्टर ए है और दूसरे में वेक्टर बी माइनस सी है। अब मैं पूछूं, यहां पर किसके पैरेलल होने की बात की गई? तो यहां पर वेक्टर ए का वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के पैरेलल होने की बात कही गई। जरा सोचिए, इससे जरा अलग हटता हूं, इससे अलग हटकर एक छोटा सा एग्जांपल रखता हूं। उस एग्जांपल के थ्रू आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है। अब ये दोनों वेक्टर में मैं आपको कहूं वेक्टर P जो है वेक्टर Q पर परपेंडिकुलर है, फिर मैं आपको कहूं नहीं वेक्टर P जो है वेक्टर Q के पैरेलल भी है, क्या दोनों बातें एक साथ संभव हो सकती हैं? क्या दोनों बातें एक साथ हो सकती हैं? नहीं हो सकती। अगर परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल नहीं हो सकता, पैरेलल होगा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे पर अगर परपेंडिकुलर हैं तो पैरेलल नहीं हो सकते, और पैरेलल हैं तो परपेंडिकुलर नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वापस यहाँ आते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने बताया है कि ये जो है वेक्टर ए जो है वेक्टर बी माइनस सी पर परपेंडिकुलर है, और यहीं पर हम आकर अपनी बात को वापस पलट के कह रहे हैं कि नहीं साहब, वेक्टर ए जो है वेक्टर बी माइनस सी के पैरेलल भी है। ये दोनों तो एक साथ हो ही नहीं सकते। अब दोनों अगर एक साथ नहीं हो सकते तो हम तो ये भी नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ये वाला हो रहा है ये वाला नहीं हो सकता, या ये वाला ही होगा ये नहीं होगा। तब इन दोनों सिनारियो जो में इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। अगर लंब है तो समानांतर नहीं है, समानांतर है तो लंब नहीं है, दोनों एक दूसरे के विरोधी बातें हैं। मतलब इस वाले मामले में कुछ लफड़ा है। तो सत्य बात क्या है? सत्य बात यह है, यहाँ पर भी देखिए b माइनस सी के जीरो होने की बात की गई थी, और यहाँ पर भी b माइनस सी के जीरो होने की बात की गई थी। ये बात तो दोनों जगह आई, अगर ये बात दोनों जगह आई तो यही सही होगी, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे के विरोधाभास है, एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक और दो से हमारे पास आ जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। और वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो आते ही इस सी वेक्टर को हम उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ गया वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर c, और यही हमें प्रूफ करना था कि वेक्टर b जो है वेक्टर c के बराबर है। इस क्वेश्चन में सबसे मेन चीज जो था आपको ये समझना था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है इसका मतलब वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगली चीज जो हमें इस क्वेश्चन से सीखने को मिली वो ये कि दो वेक्टर्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, और वही दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधाभास में हैं। तब दोनों में जो कॉमन बात थी हमने उसको ले लिया कि साहब यही वाली बात सही होगी, तभी तो जीरो आ रहा है। यहाँ से हमने ये बता दिया कि वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के बराबर है।